अगर आप एक ड्रामा थ्रिलर टाइप की मूवीज देखना काफी ज्यादा पसंद करते हो तो नेटफ्लिक्स पर है ना कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छी मूवी रिलीज हुई थी। उस मूवी का नाम है स्टोलन। ये मूवी जब मैं देख रहा था ना तो मूवी मुझे अच्छी लगी देखने में। कहानी भी इतनी ज्यादा हार्ड है नहीं, आसानी से समझ जाएगी आपको। और कहानी कुछ ऐसी बताई गई है मूवी की कि सामी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, मतलब ये ना बर्फीली पहाड़ियों में रहते हैं। और इन्होंने ना हिरन पाल के रख लिए हैं, बट कुछ दिनों से ना इनके हिरन जो है वो मारे जा रहे हैं। फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि इनके हिरन जो है किसी गाड़ी के नीचे दब के मर गए हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई तो भी एक बहुत ही खतरनाक किलर है जो कि सामी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके एक पाले हुए हिरन को मार रहा है, और इतनी बुरी तरीके से मारता है ना, मतलब हिरनों का सिर धड़ से पूरा अलग कर देता है। सामी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करने की भी कोशिश करी, बट पुलिस भी इन पे ध्यान नहीं देती है। पुलिस उल्टा इनको ही सुना देती है कि तुम लोग अपने हिरणों को अच्छे से रखते नहीं हो, वो किसी भी गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं, फिर हमको आके बोलते हो किसी ने उनको मारा है। तो पुलिस भी इन पे ध्यान नहीं देती ना ही इनकी कंप्लेन फाइल करती। तो फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी बताई गई है कि एक छोटी बच्ची जो है ना उसको एक बहुत ही हिरण का जो बच्चा है ना वो उसकी बहुत ही अच्छे से केयर करती है, उसको अच्छे से संभाल के रखती है। बट एक दिन वही छोटे बच्चे जो है हिरन का जो छोटा बच्चा रहता है उसको ही किलर जो है वो मार डालता है। तो लड़की जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि मैं जिस हिरन की अच्छे से रक्षा कर रही थी, अच्छे से केयर कर रही थी, उसको ही किसी ने मार डाला। तो इसी के ऊपर पूरी मूवी की कहानी बताई गई है। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती जाती है ना, वो लड़की जो है वो जितने भी हिरन मर चुके हैं कौन मार रहा है आखिर ये हिरणों को, इसके पीछे की वजह जानती है वो लड़की, और क्यों मार रहे हैं हिरण को ये, क्या इसके ऊपर पूरी मूवी की कहानी बताई गई है। क्या ये अकेली लड़की और इसकी फैमिली जो है वो किलर को पकड़ भी पाएगी या नहीं, या फिर वो किलर जो है ऐसे ही हिरणों को मारता रहेगा, और क्या है इसके पीछे की वजह, आखिर क्यों किलर जो है हिरणों को मार रहा है इतनी बुरी तरीके से। ये जानने के लिए तो आपको है ना मूवी देखनी होगी स्टोलन। इस मूवी को है ना यूए का भी टैग दिया है, मतलब ये मूवी आप फैमिली के भी साथ देख सकते हो। मूवी में ना ही कोई वल्गर लैंग्वेज यूज हुई है ना ही कोई अडल्ट सीन्स है, तो आप ये मूवी को फैमिली के साथ भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है और भी भाषाओं में डब करी है, देखना चाहते हो तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। स्टोलन मूवी देखकर कमेंट करके जरूर बताना आपको स्टोलन मूवी देखने में कैसी लगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे चैनल पे अच्छी और पॉपुलर मूवीज और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो अपलोड मैं करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।